दोस्तों स्वागत करता हूं आप लोगों के आपके अपने चैनल सानो स्टडी 1998 पे। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम बात करने वाले हैं बिहार इंटरमीडिएट 2021 की जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट कब तक आएगा, क्रेसिंग का जो सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे, और स्टूडेंट जो हैं वो कैसे फेल हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि इसमें जो 90% स्टूडेंट हैं वो पास हो जाएंगे, तो क्या आप फेल स्टूडेंट में आते हो या नहीं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रिजल्ट डेट है वो कब तक आने वाली है। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं, जो आप लोगों की कॉपियाँ हैं वो 5 से 15 मार्च के बीच में कॉपियाँ आप लोगों का चेक होगा, ठीक है दोस्तों। 15 मार्च के बीच में कॉपी आप लोगों का चेक होगा, और उसी समय उसी दिन कंप्यूटर पे आप लोगों का नंबर भी अपडेट करते दिया जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे दोस्तों वो 13.5 लाख के करीब स्टूडेंट थे टोटल 12th में, ओके 13.5 लाख के करीब स्टूडेंट थे। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो आप लोगों का रिजल्ट है वो 28 से लेकर 30 मार्च के बीच में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, ओके। चलिए अब वीडियो को आगे करते हैं और मैं बताता हूँ कि जो ग्रेस है वो ग्रेस कैसे मिलेगा। तो ग्रेस दो पेपर होता है, आप लोगों को पता है यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव होता है एक सब्जेक्टिव होता है। तो जो ऑब्जेक्टिव पेपर है दोस्तों उसमें आप लोगों का ग्रेस जो है वो 5 नंबर मिलेगा। अगर आपका स्कोर ऐसा नहीं है कि अगर आपका स्कोर 30 में 30, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ 30 में 30 है तो आपको 5 नंबर का स्कोर मिल जाएगा, ऐसा नहीं मिलेगा। अगर आपका स्कोर 30 में से आपका 20 में 30 है तो आपका स्कोर 5 नंबर बढ़ा आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव के बारे में। टोटल जो अगर आपका स्कोर 270 आ गया है तो आपको 10% ग्रेस देके 300 कर दिया जाएगा दोस्तों, जिससे आप फर्स्ट डिवीज़न कर सकते हो, ओके। चलिए अब बात करते हैं हम जो फेल हैं वो कैसे स्टूडेंट हो सकते हैं फेल इसमें। तो दोस्तों अगर आप तीन सब्जेक्टों में फेल हो तो आपको फेल माना जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को तो पता ही होगा, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि तीन सब्जेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट फेल हुए होंगे। मुझे लगता है कि 5 से 7% लोग तीन सब्जेक्ट में फेल होंगे। तो दोस्तों मुझे पता है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, थैंक यू। और मैं बात करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि आप 12 देने के बाद आप लोग कंपटीशन के लाइन पर आओगे, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आप लोगों को दोस्तों इस चैनल में एग्ज़ाम एनालिसिस करवाया जाएगा, उसके बाद जो कटअप होता है उसके बारे में बताया जाता है, और जो रिजल्ट डेट है उसके बारे में मैं बताता हूँ कितनी रहने वाली है, कब रिजल्ट डेट आने वाली है, टोटल वैकेंसीज कितनी है। क्योंकि जब आप 12th के बाद कोई फॉर्म भरोगे तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि टोटल वैकेंसीज कितनी है, फॉर्म फिलअप किससे किया जाता है। फॉर्म फिलअप भी कोई चीज़ का फॉर्म आएगा तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कि फॉर्म फिलअप कैसे किया जाता है। और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए फ्री बैच स्टार्ट करने वाला हूँ कंपिटेटिव एग्ज़ाम के लिए, आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।